वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्लोरिया शिल्पी। सो आज का जो दिन है ना वो है थर्सडे और मैंने येलो कलर की एक बहुत प्रिटी सी फ्रॉक पहन रखी है। तो ये किसी का मैसेज आ गया। तो मैं जो है ना आज जा रही हूँ रिलायंस ट्रेंड और कुछ थोड़ा सा कुर्ती का न्यू कलेक्शन आया है तो वो लेने, और मेरे पास कुछ रिलायंस के कूपन्स पड़े हैं हुए, तो मैंने सोचा उन कूपन को ख़राब होने से पहले क्यों ना यूज़ कर लें और कुछ न्यू कलेक्शन अपने वार्डरोब में बढ़ा लें। तो मैं अभी जा रही हूँ दीदी के घर, अपनी दीदी के घर, तो वहाँ जाऊँगी और दीदी को लूँगी और फिर हम वहाँ चलेंगे रिलायंस ट्रेन और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या अच्छा आया है। और बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने सोचा था कि दो तीन कुर्ती लूँगी एंड प्लाजो वगैरह ऐसा कुछ लेंगे क्योंकि मुझे अभी प्लाजो की बहुत ज़्यादा नीड है। तो हम वहाँ चल रहे हैं, उसके लिए हम जल्दी से फटाफट से तैयार हो जाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं और देखते हैं क्या लेते हैं, लेट्स सी। तो चलते हैं। ओके, सो मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। और जब मैं कोई ऐसे कपड़े वगैरह ख़रीदने जाती हूँ ना, और मुझे लगता है कि जब मैं ख़रीदने जा रही हूँ तो वहाँ मुझे उसे ट्राई करके भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए ना मैं अपने पर्स में कुछ दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट लेकर जाती हूँ, जैसे कि कॉम लेकर जाती हूँ एंड बिंदी लेकर जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना आप कुर्ती वगैरह चेंज करके चेक करके देखते हो तो आपकी बिंदी गिर जाती है और बाल का तो हाल ही बेकार हो जाता है। और साथ में इस समय ये 2 सालों से तो एक मास्क से एक अलग ही रिश्ता जुड़ गया है, तो वो साथ में जाना ही जाना है। जैसे कि मोबाइल से एक रिश्ता है, वैसे एक मास्क से भी रिश्ता जुड़ चुका है, तो मास्क और मोबाइल तो साथ में जाने ही हैं। और गर्मी है तो पानी ज़रूर साथ में लेकर जाए। और तो ये सारी चीज़ें बैग में मैंने अच्छे से रख ली हैं और बस अब हम चल निकलते हैं और दीदी के यहाँ जाते हैं, फिर हम सीधा रिलायंस में मिलेंगे आपको। अपना हम रिलायंस ट्रेन के बाहर आ गए हैं और ये है एंट्रेंस, तो हम अब अंदर चलते हैं और सबसे पहले ना हम सैनिटाइज़र ले लेते हैं। तो यहाँ पर है सैनिटाइज़र, सो अब हम अपने हाथ में लगा लेते हैं। तो क्योंकि अपना ना प्रिकॉशंस लेकर चलना पड़ता है, तो फिलहाल यहाँ हमने हाथों को सैनिटाइज कर लिया है और हम यहाँ पर कुर्तीज़ वगैरह का कलेक्शन देखने जा रहे हैं। तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या लेना है हमें। सो गाइज, ये जो सेक्शन है ना मेरा वन ऑफ फेवरेट है। ये 499 और 599 की प्राइस की कुर्तियाँ बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं और दो लेने पे 100 रुपीज़ ऑफ, प्लस आपके पास अगर कोई कूपन है तो वो भी लगेगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आगे एक बढ़िया सी म्यूज़िक लगा देती हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पर सॉन्ग बज रहा है तो कॉपीराइट क्लेम भी लग सकता है, तो उससे बचने के लिए। और आप बढ़िया मज़े लीजिए और सॉन्ग सुनिए।
दिनों से रिलायंस ट्रेंड नहीं आया है, तो यहाँ पर ना आपको वॉच कलेक्शन भी मिल जाएगा, और ये आपके इंट्रेंस के पास ही लगा हुआ है, और काफ़ी अच्छी वॉचेस हैं। और मैं ना जल्दी से, मैं बहुत ज़्यादा नई वीडियो कवर कर पा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर सॉन्ग भी लग जाते हैं तो कॉपीराइट क्लेम भी आ जाता है, तो उस वजह से मैं जैसे ही सॉन्ग बंद होता है ना, मैं जल्दी से वीडियो आपके लिए शूट कर लेती हूँ। तो अभी मैंने कुछ ऐसे इतनी कुर्तियाँ सेलेक्ट किए हैं, और अब देखती हूँ उसको पहनने के बाद कैसी लगती है, फिर ही मैं उसे बाय करूँगी। सो थोड़ी देर में हम इसे टेस्ट करते हैं कि कैसी आई है। रिलायंस ट्रेंड के कुर्ती एंड वन पीस के कलेक्शन, और आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दिस इज माय फेवरेट, वन ऑफ फेवरेट फ्रॉक, बट मैं अभी नई से बाय करने वाली, बिकॉज मैं अभी सिर्फ कुर्तीज लेने वाली हूँ। और मुझे ये भी बहुत ज्यादा प्रिटी लगी, और इससे पहले वाली जो वन पीस थी वो भी बहुत प्रिटी लगी। आपको कौन कौन सी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मैंने कौन सी ली ये जानने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर देखिएगा। हमने जो सेलेक्ट करना था वो सब सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम चलते हैं कैश काउंटर और देखते हैं कितना बिल आया है। सो हमारी जो शॉपिंग है ना वो डन होती, और हम अपना कैरी बैग खुद लेके आते हैं, क्योंकि 15 रुपये क्या वेस्ट करने, तो अपना कैरी बैग खुद लेकर आइए और 15 रुपये बचाइए फालतू वाले। तो यहाँ मेरी शॉपिंग डन हो गई और अब हमारा एग्ज़िट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी स्लिप चेक हो रही थी, और अब हम बाहर को जा रहे हैं। तो अब हम आपको घर चलेंगे ना, या फिर जब भी वियर करेंगे तो आपको दिखाएंगे हम क्या ले रहे हैं। साथ ना हम घर के लिए रवाना हो गए हैं, और जब भी पहनेंगे तो आपको बताएंगे कि ये वही कुर्तियाँ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। तो बाय, गुड नाइट।